आठवीं कक्षा के सभी छात्रों को सी बी एस ई कोर्स बी, एन सी ई आर टी के वसंत बाग दो के तीसरा पार्ट बस की यात्रा वीडियो दो में स्वागत करती हूँ लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई तो पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था लेखक और उसके मित्र द्वारा कंपनी के नाम पर पन्ना जाना और बस की दशा के बारे में हमने डिस्कस किया और लोगों का विचार उस बस के बारे में लोगों का क्या विचार थे उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है ना अब देखिए पेज नंबर फोर्टीन में फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे सो so, इस बस की कंपनी है उसके एक हिस्सेदार माने एक पार्टनर उस बस में जा रहे थे ही वॉज ट्रेवलिंग इन दैट बस हमने उनसे पूछा वी आस्ट हिम कि यह बस चलती भी है वेदर द बस विल मूव और वेदर द बस विल स्टार्ट वह बोले चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है यह हाँ ये जी और कैसे चलेगी द राइटर इज आस्किंग द ऑनर और द पार्टनर ऑफ द बस कि भैया विल दिस बस मूव द पार्टनर इज हैविंग फुल कॉन्फिडेंस यू सीज दैट यस यस इट विल डेफिनेटली नाउ यू कैन सी दैट द राइटर फेस विद अ टीजिंग स्माइल ऑन द फेस सी या दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू सी हाउ इट टेक्स बुक गजब हो गया अंडरलाइन गजप स्ट्रेंज ऐसी बस अपने आप चलती है एंड दिस बस मूव बाईस ऑन हम आगे पीछे करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी है सो माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इज अ डॉक्टर ही से अनुभवी है अनुभवी माने वेरी एक्सपीरियंसड है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है एंड इट इज ट्रस्वर्थी लाइक द न्यू बसेस इज नॉट दैट मच ट्रस्वर्थी बट दिस बस इज लाइक दैट हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी एंड इट विल टेक वेरी लविंगली इट विल कंसिडर अस लाइक द सन्स एस वी ऑल नो दैट अ मदर टेक अ सन लाइक दैट दिस बस डेफिनेटली टेक टू आर डेस्टिनेशन हम बैठ गए छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे दे, जैसे अंतिम विदाई दे रहे थे अंतिम विदाई लास्ट विदा मन एडियो उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रख फकीर अंडरलाइन राजा माने किंग रक का अर्थ है बेगर फकीर माने एस ए आई एन टी सेंट आत्मी को कूच करने के लिए कूच माने वॉक एक निमित्त चाहिए निमित्त रीसन तो देखिए जो लोग इन पांच मित्रों को विदाई देने के लिए वहां पे मौजूद थे वे सभी इन मित्रों को इस प्रकार देख रहे थे दे, जैसे अंतिम विदाई दे रहे थे उन्हें लग रहा था कि इस धरती पर जो आया है उसे तो जाना ही है अर्थात एक ना एक दिन मृत्यु को वरण करना ही है चाहे वह राजा हो भिखारी हो या साधु हो आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई कारण तो चाहिए है ना अब देखिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है सारी बस माने द होल बस इट सेल्फ इज एन इंजिन दे था और हम इंजिन के बीधर बैठे है दे फेल्ट देर देयर सीटिंग इनसाइड द इंजिन कांच बहुत कम बचे थे कांच माने ग्लास मिरर वेरी लेस मिरर देर आई मीन ऑन द विंडोज उनमें हमें बचना था एंड वी हैव टू सेव आम दी मिरर मे बी इट व्रोकन और इट वॉज लेस मिरर am I'm foreign immediately door dur sarakagai because the condition of the bus was so bad. That is the uh, reason why the writer is describing all these things. The mirror was uh, very less mirror, and that was also very dangerous to sit near the window side. Usually, when we are in a bus, we would, would like to sit near the window side, but here they all didn't want to sit near the window side. Now they came. इंजन uh, चल रहा था हमें लग रहा था कि सारी सीट जो हमारी सीट है उसके नीचे इंजन है सो इंजिन वॉजिंग सच ए बिग नॉइज कि वी फेल्ट दैट द होल सीट के नीचे अंडर द सीट द इंजन केप्ट और द इंजन हैड द सीट बट एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक दैट बट द बैड सिचुएशन बैड कंडीशन ऑफ द बस वॉज इन सच ए वे ग्रुप ऑफ दिस फ्रेंड्स दे फेल्ट दैट द इंजिन वर्स जस्ट अंडर देयर सीट पेज नंबर बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवतिया आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी सो द बस स्टार्टड ऑलमोस्ट स्टार्ट सो वी थॉट दैट दिटुएशन ऑफ द बस The way we are sitting inside the bus was just like uh, Mahatma Gandhi's Asahayog Andolan, that is non-cooperation movement. What was, what was the non-cooperation movement uh, led by Mahatma Gandhi? As we all know that uh, 5th September 1920, he had launched uh, non-cooperation movement uh, with the aim of uh, self-governance and uh, obtaining full independence as the indian uh, national congress withdrew its support for british reforms uh, followed by a rowl attack and jallianwala bag massacre gandhi had led many movements which uh, includes known cooperation movement and civil disobedience so the writer says that this bus might be young during that time and might have seen all these movements and it is well trained from that movements. So the example what he says is that Har hissa se The Each part of the bus was having non-cooperation, asahayog Not cooperating with the other part of the bus. Puri bus savinaya, very politely अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी अवज्ञा आंदोलन माने डिस द होल बस बस डिस पार्ट ऑफ द बस बस पार्ट्स वर बे विद ईच अदर सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था एंड सीट विद द बॉडी पार्ट असहयोग माने नॉन कोऑपरेशन चल रहा था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भी भागी जा रही है एंड द बॉडी Of the bus is moving for forward, leaving the seat. At this meal chalne par sare bhid mit mitke, and the bus almost reached, almost covered 8 to 10 mile. So all the bav, money indifferences. Now we are together, all our indifferences removed of or disappeared. Ham samach me nahi aata कि यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वी डिट अंडरस्टैंड दी वे द सीट और द सीट वॉज सिटिंग ऑन एस एक बस रुक गई सडनली एक मैने सडनली द बस स्टॉप्ड मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंगी में चेद हो गया है And what was the reason? When we inquired, we could realise that the petrol tank had a hole in that. Driver ne balti me petrol nikalkar usse bagal me reka. And the driver took the petrol in the balti, mane bucket. And he kept it near to him. Bagal, underline, bagal, near. Near to him. Or nali dalkar. Or... जो पाइप है उसको डालकर इंजिन में बेचने लगा सो पेट्रोल, ही द पेट्रोल इन बकेट एंड ही दैट नियर टू हिम एंड अ पाइप कनेक्टेड फ्रॉम द बकेट टू द इंजन। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नाली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को अपने अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है नाउ आफ्टर फ्यू मिनट्स आई कुड थिंक इन दिस वे कि द पार्टनर ऑफ द बस दैट इज द बस कंपनी के एक हिस्सेदार विल टेक द इंजन इन हिस लैप एंड थ्रू द पाइप ही विल गिव द पेट्रोल लाइक हाउ मदर गिव्स Feeding bottle to her child, and that's all for this video. Thank you, children.